हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि पौधों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है और पौधों के अंदर डिफरेंट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करके जाते हैं, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उस टॉपिक पे आपने सवाल किया था कि सर आपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो बताई है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है वो नहीं बताई है। तो आज उसकी जो छोटी सी पॉइंट आपके बुक में एडेड है, थोड़ा उसको एलेबोरेट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली जो है वो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप समझ गए होंगे पिछली अगर दोनों वीडियोज़ आपने देखी हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझनी पड़ेगी जो कि मेरे पिछली वीडियोज़ में मैंने डिस्कस की थी। एक पॉइंट है आपके पास ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का मतलब है कि जहां कहीं पे भी साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या साल्ट होंगे तो पानी उस तरफ मूव करके जाएगा। तो वाटर हैज टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स अ साल्ट, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। जहां कहीं भी साल्ट होंगे वहां पे पानी ट्रेवल करके जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर पौधे के जड़ के अंदर, रूट के अंदर बाहर पानी ज़्यादा मौजूद है, वाटर कंटेंट्स हैं, और सेल के अंदर अगर सॉल्यूट्स मेंटेन हैं, तो फिर क्लियर सी बात है कि पानी ट्रेवल करके सेल के अंदर आएगा, और इस तरह जो है ज़मीन का पानी जो है, सॉइल का पानी जो है, सेल के अंदर ट्रेवल करके आता है। फिर जो है सेल टू सेल जब यहाँ से पानी भर जाता है, ट्रगर प्रेशर बन जाता है, तो फिर ये पानी जो इस सेल के अंदर आए, क्योंकि इस सेल के अंदर भी साल्ट्स मौजूद हैं, तो इस तरह जो है पानी मूव करके ऊपर आता है। फिर मैंने आपको ट्रांसपायरेशन का भी बताया था कि ट्रांसपायरेशन पुल जो होती है क्रिएट होती है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से भी पानी ट्रेवल करके ऊपर आता है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स का जो है उसमें फ्लोएम्स जो है वो कंडक्ट फूड कैसे करते हैं। छोटी सी एक तस्वीर ड्रॉ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये है लीफ जहां पे बन रहा है ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है। यहाँ पे खाना बना है और ये खाना अब ट्रेवल करके पौधे के डिफरेंट हिस्सों की तरफ जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि फ्लोएम का फंक्शन ये है कि फ्लोएम कैरी करती है प्रिपेयर्ड फूड को और ट्रांसपोर्ट करती है विद इन द बॉडी जहाँ कहीं भी उसकी नीड है। अब यहाँ पे दो वर्ड आपको जहन में रखने पड़ेंगे। एक है, यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक है सप्लाइंग एंड, जिसका मतलब है जो सप्लाई कर रहा है, जो प्रोवाइड कर रहा है। तो लीफ जो है वो सप्लाइंग एंड है, और दूसरा जो सेल इसको रिसीव कर रहा है उसे आप सिंक कह सकते हैं। सिंक का मतलब है वो सेल जहाँ पे फोटोसिंथेसिस, या वो एरिया या वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा और उसको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो है सिंक जो है वो कंजप्शन एंड भी आप इसे कह सकते हैं। आपकी बुक में कंजप्शन एंड आपकी बुक में लिखा हुआ है। कंजप्शन एंड सप्लाइंग एंड से कंजप्शन एंड की तरफ फूड ट्रेवल करता है। यानी सप्लाइंग एंड जो है लीफ है वो फूड को प्रोवाइड करके देता है, और फ्लोएम उसको कैरी करके प्लांट के डिफरेंट एरियाज, रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, या फिर और स्टेम के सेल है, उन सबको प्रोवाइड करके देता है। अब ये सप्लाई कैसे होता है, प्रोवाइड कैसे होता है, इस पर बहुत रिसर्च हुई है, और इस पर ये हाइपोथेसिस दी गई है जिसे हम मंच हाइपोथेसिस या म्यूनिक हाइपोथेसिस को भी इसे पढ़ते हैं। दोनों सही हैं, क्योंकि ये जो नाम है ये एक जर्मन केमिस्ट थे, मंच, उनके नाम के पीछे ये नाम पड़ा है, तो उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी, इसी वजह से हम इसको मंच हाइपोथेसिस भी कहते हैं, इसको हम बल्क फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, या इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। ये तीन डिफरेंट नाम डिफरेंट बुक्स में सजेस्टेड है। ये तीनों एक ही टॉपिक हैं। अगर एग्जाम में कुछ भी इन तीनों में से आ जाए तो आप एक ही बात समझें। और आपने ये बताना है कि मूवमेंट जो है फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्लोएम ट्यूब, जिसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ये ट्रांसलोकेशन जो है वो कैसे होती है इस हाइपोथेसिस में बताया गया है। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि प्लांट के अंदर जो स्टेम जो होता है उसके अंदर ये दोनों जो वैस्कुलर ट्यूब्स मौजूद होती हैं, वैस्कुलर बंडल जो मौजूद होते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम हैं, इनमें ये बाहर जो ट्यूब है ये जाइलम की ट्यूब है,
और ये जो ट्यूब है ये फ्लोएम की ट्यूब है जो कि अंदर की तरफ मौजूद है। अब इस फ्लोएम के स्ट्रक्चर में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके अंदर चार जो कंपोनेंट्स होते हैं, चार जो टाइप ऑफ सेल होते हैं, उनमें पहला इंपॉर्टेंट होती है, पहली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होती है जिसे हम सिव ट्यूब कहते हैं या सिव सेल कहते हैं। ये सिव सेल इस तरह के स्ट्रक्चर के दिखते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर के दिखते हैं। ये एक सिलेंड्रिकल सेल है और इनके ऊपर और नीचे सुराख मौजूद हैं, इसलिए इसको सिव ट्यूब या छन्नी के जैसे सेल कहा जाता है। और इनके ये टर्मिनल एंड जो होते हैं, इनके बीच में इनके टर्मिनल एंड पे ये सुराख मौजूद होते हैं जहाँ से ये फूड ट्रेवल करके जाता है। तो ये सिव ट्यूब जो होते हैं ये असेलुलर बॉडीज़ होती हैं और इनके साथ अटैच इनके कंपेनियन सेल होते हैं जो कि सेलुलर बॉडीज़ होती हैं जिसको जो जिसकी जिम्मेदारी है इसकी रिपेयर और मेंटेनेंस। ये ऑस्मोसिस यहाँ पे इसका मेन रोल होता है। मेन रोल ये है कि मिसाल के तौर पे आप सबको पता है कि चीज़ें जो है हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करती हैं। तो जब एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, या सपोज़ ये एक जब एक सेल जो है वो खाने से भर गया है, फूड से भर गया है, ठीक है, तो भर गया है तो उसके अंदर जो है एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यानी इसके अंदर वाटर भी मौजूद है, इसके अंदर फूड भी मौजूद है, तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा जिसे आप टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये टर्गर प्रेशर जो है जिसकी वजह से जो है नेक्स्ट सेल की तरफ फूड मूव करेगा फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा फूड का मिकदार मौजूद है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल ज़्यादा है। शुगर जो है वाटर सॉल्युबल है और शुगर पानी में डिसॉल्व होती है। तो ये जो फ्लोएम की ट्यूब है इसके अंदर ये सेल होते हैं, जब ये सेल जो है लीफ जो है यहाँ से फूड इनको सप्लाई करेगा, क्योंकि लीफ के अंदर भी यहाँ तक ट्यूब होती हैं साइलम और फ्लोएम की, तो यहाँ से जब फूड जो है वो सप्लाई किया जाएगा इस फ्लोएम सेल को, तो फ्लोएम सेल जो हैं जब इनके अंदर ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पहुँच जाएगा तो पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है साइलम की ट्यूब से, और ये सेल जब भर जाएगा तो जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर ये जो है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसे आप दूसरे नाम से डिफ्यूजन भी कहते हैं। इस तरह जो है जब एक सेल के अंदर फूड भर जाता है, एक सेल के अंदर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जब भर जाता है, तो ये सेल जो है अपने नेबरिंग सेल को ट्रांसफ़र करता है फूड को। इस तरह जो है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में फूड सप्लाई किया जाता है। तो ये है बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ ट्रैवल करके जाना, या किसी चीज़ का बड़े मैस फ्लो जो है, यानी बड़ी मकदार में कोई चीज़ जहाँ पर मौजूद है वहाँ से फ्लो करके कम कंसंट्रेशन की तरफ जाना, जो कि इस सिव एलिमेंट के थ्रू होती है, इसे हम मंच हाइपोथेसिस कहते हैं या बल्क फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये है हमारी ट्रांसलोकेशन थ्रू द सिव ट्यूब। उम्मीद है आपको चीज़ें आसान लगी होंगी, समझ आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर कोई क्वेरी हो, अगर कोई क्वेश्चन हो, तो बेशक दोबारा भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर जल्दी अगले टॉपिक के साथ।